भोजपुरी इंडस्ट्री की सुंदर और क्यूट हीरोइनों में से एक है काजल रगवानी और ये भोजपुरी की क्वीन भी कही जाती हैं। तो वहीं काजल और खेसारी की जोड़ी को दर्शक खूब पसंद करते हैं। इनकी सभी फिल्मों में खूब प्यार मिलता है दर्शकों का और इनकी जोड़ी के लाखों दीवाने हैं। तो वहीं अभी तक काजल और खेसारी ने लगभग 7 में 25 फिल्में कर चुके हैं और इनकी जोड़ी सुपर डुपर हिट है। तो वहीं आज मैं आप सभी को इस वीडियो में काजल रगवानी के जीजाजी से मिलवाने जा रही हूँ, जिनको शायद ही आप में से किसी ने देखा होगा, क्योंकि काजल रगवानी के जीजू कभी भी सामने नहीं आते हैं और ना ही उनको कभी किसी भोजपुरी इंडस्ट्री के पार्टी में देखा गया है, क्योंकि इनके जीजा जी को इन सब चीज़ों में कोई भी रुचि नहीं। और वहीं अगर आप सभी काजल के जीजा जी को देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और साथ ही आप हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा वीडियो देखने के बाद इसे शेयर जरूर करिएगा। और वहीं अगर आप में से किसी को भी हमारे चैनल के माध्यम से कुछ प्रमोट करवाना या फिर टैलेंट को दुनिया को दिखाना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टा पर फॉलो कर मैसेज कर सकते हैं, लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और आप सभी को हम मिलवाते हैं काजल रगवानी के असली जीजू से। तो जैसा कि आप सब भी जानते हैं, काजल रगवानी गुजरात की रहने वाली और ये बचपन से हीरोइन बनना चाहती थी, जो कि ये बनी भी, मगर इनकी बहन को इसमें कोई भी रुचि नहीं थी और वो बिल्कुल सिंपल लाइफ बिताना चाहती थी और उन्होंने किया भी। और काजल की बहन ने शादी कर ली और अपने पति के साथ शादीशुदा जिंदगी में बहुत ही खुश है। तो वहीं ये रहे काजल रगवानी के जीजाजी, जिनको मैं आप सभी को पहली बार अपने चैनल के माध्यम से दिखा रही हूँ और इनको शायद ही आप में से किसी ने देखा होगा, क्योंकि ये कहीं भी नज़र नहीं आते हैं। और काजल भी अपनी बहन के साथ हमेशा फ़ोटो पोस्ट करती रहती है, मगर इनके जीजाजी नज़र नहीं आते हैं, क्योंकि इनका काम बहुत अलग है और इनको इन सब चीज़ों में कोई भी रुचि नहीं है कि उनको भी सामने आना चाहिए। वो अपने लाइफ में काफ़ी खुश है। तो देखा आप सभी ने, हमने आप सभी को काजल के जीजू से पहली बार मिलवाया, तो इस पर आप सभी का क्या कहना और आपको काजल के जीजू कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स मुझे बताइएगा। और साथ ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर ले, शेयर कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।